हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंह स्टडी सेंटर। लास्ट वीडियो में हमने ओएसआई मॉडल और डिफरेंट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल के बारे में फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से चेक कर सकते हैं। ओएसआई मॉडल के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारा आज का टॉपिक है वो काफ़ी कुछ जो है ओएसआई मॉडल के साथ मेल खाता है। ओएसआई मॉडल को हम एक रेफरेंस मॉडल बोलते थे, बट जो हमारा आज का टॉपिक है वो एक इम्प्लीमेंटेड मॉडल हम इसको बोलते हैं, डीओडी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा इम्प्लीमेंट किया हुआ मॉडल है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टुडे आवर टॉपिक ऑन टीसीपीआईपी मॉडल। हमने ओएसआई मॉडल में जैसे हमने 7 लेयर के बारे में जाना था, वहीं टीसीपीआईपी में हमें 4 लेयर में हमें ये मॉडल मिलता है। 4 लेयर में आप देख सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन लेयर है वहां पे एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर का काम था, वो सारे तीनों लेयर का काम जो है वो एक ही में कवर हो रहा है यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर में। नेक्स्ट उसमें ट्रांसपोर्ट था, यहाँ भी ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद उसमें क्या था, उसमें था नेटवर्क, तो ये नेटवर्क का काम जहाँ इंटरनेट कर रहा है, और जो वहां पे डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का काम था वो यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस लेयर कर रहा है। एप्लीकेशन में आपका HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल POP3, और ये ट्रांसपोर्ट लेयर में आपका, यहाँ पे हमने ओएसआई मॉडल में ही पढ़ा था, कॉन्टैक्ट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और कॉन्टैक्टलेस प्रोटोकॉल मीन्स UDP। और उसके बाद नेटवर्क लेयर में आपको बताइए, इंटरनेट लेयर में वो सेम है, IP एड्रेस पे काम करता है। और नेटवर्क इंटरफेस में क्या था आपका, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, वो इथरनेट प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। आगे देखते हैं इनका, टीसीपी आईपी और ओएसआई का हम कंपैरिजन देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर का काम कौन करता था, यहाँ पे एक ही सिंगल लेयर एप्लीकेशन लेयर करती थी। ट्रांसपोर्ट लेयर का ट्रांसपोर्ट ही करता था, नेटवर्क लेयर का इंटरनेट लेयर, डाटा लिंक लेयर का और फिजिकल लेयर का काम कौन करता था, नेटवर्क एसएस लेयर। टीसीपी आईपी को समझने से पहले हम ओएसआई मॉडल हमें समझना बहुत जरूरी है। मैंने लास्ट वीडियो में एक स्टोरी की तरह समझाया था आपको कि ओएसआई मॉडल है क्या, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ओएसआई मॉडल है क्या। एप्लीकेशन लेयर क्या काम करता था, एक एज ए इंटरफेस काम करता था, जैसे SMTP आपका, HTTP, DNS, ये सब क्या करते हैं, इंटरफेस प्रोवाइड करते थे यूजर को फॉर कम्युनिकेशन। और प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करती थी, उसको इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट एंड कंप्रेशन का काम करती थी। सेशन लेयर क्या काम करती, एस्टेब्लिश द कनेक्शन विद द रिसीवर एंड मेंटेन द कनेक्शन एंड एंडिंग द कनेक्शन। क्या करता था, कनेक्शन को मेंट पहले एस्टेब्लिश करता था रिसीवर एंड के सेशन लेयर के साथ, उसके बाद मेंटेनिंग द सेशन जब तक उसको डाटा नहीं मिल जाता, और जब मिलने के बाद फिर एंडिंग ऑफ सेशन, ये सेशन लेयर का काम था। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या बोलते हैं हम, नोड टू नोड डिलीवरी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्नॉलेजमेंट लेता है रिसीवर एंड के ट्रांसपोर्ट के साथ, जब तक ट्रांसपोर्ट लेयर उसको रिसीवर एंड वाला एक्नॉलेजमेंट नहीं देगा, इसको रिसीविंग नहीं मानता था। तो ये इसका दो काम है, नोड टू नोड डिलीवरी और सेगमेंटेशन। और नेटवर्क लेयर का क्या, हमारा आईपी एड्रेस वाला काम करता है, वही सेम का इंटरनेट राउटर वाला काम करता है, राउटर के लिए हम इंटरनेट जो यूज करते हैं। तो नेटवर्क लेयर में क्या होता था, आईपी एड्रेस उसमें फ्रॉम टू ऐड करता था, डाटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस का यूज कर जाता था, और फिजिकल लेयर एक फिजिकल मेरे प्रोवाइड है फॉर, और क्या करता था, बिट्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता था, और दोनों का काम यही करता है कि नेटवर्क एसएस लेयर। ठीक है रेंट, आज आज का देखते हैं, हम पढ़ते हैं TCP/IP क्या है, TCP/IP के बारे में जानते हैं। TCP/IP, TCP/IP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉज डिजाइन एंड डिजॉल्व बाई DOD, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये अमेरिकन एजेंसी है, इन 1917। उसने क्या किया था, इसको एक इम्प्लीमेंटल मॉडल माना था। जैसे हम OSI मॉडल को हम एक रेफरेंस मॉडल बोलते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंटल मॉडल नहीं बोलते, पर TCP/IP को हम एक इम्प्लीमेंटल मॉडल बोलते हैं। तो एक फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं पूछ सकता है कोई भी कि OSI मॉडल इज रेफरेंस मॉडल, या OSI मॉडल इज डैश डैश मॉडल, TCP/IP डैश मॉडल, तो इम्प्लीमेंटल मॉडल है ये। और TCP/IP इज कोई कंसाइज वर्जन ऑफ OSI मॉडल, ये कंसाइज वर्जन है। इट कंटेन 4 लेयर अनलाइक 7 लेयर ऑफ द OSI मॉडल। 7 लेयर के कंपैरिजन में ये 4 लेयर में TCP/IP आता है।
फर्स्ट क्या है? फर्स्ट आपका आ गया एप्लीकेशन लेयर, सेकंड ट्रांसपोर्ट लेयर, थर्ड इंटरनेट लेयर, और लास्ट वन इज नेटवर्क एक्सेस लेयर। अब इनका काम पढ़ देखते हैं, इनके कि पर्टिकुलर लेयर जो है वो अपना एक इंडिपेंडेंट, इनका एक अपना फंक्शन है, दूसरे पर डिपेंड करती है कि जब तक उसको पैकेट नहीं मिलेगा तो वो उसको क्या, उसके पास जब तक पैकेट नहीं आएगा तब तक वो कुछ उसका कर नहीं सकता। बट हर एक लेयर का एक इंडिपेंडेंट फंक्शन है, वो अपना एक अलग सा फंक्शन है उसका, और हर एक फंक्शन का होना भी जरूरी है जहाँ पे किसी भी दो सिस्टम को कम्युनिकेट करने के लिए, जहाँ पे हर लेयर का एक फंक्शन जो है फंक्शन करना जरूरी है। अब हम जो बोल सकते हैं कि टीसीपी आईपी के जो मॉडल में हमने जो पढ़ा था, एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट और प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर का काम, वो हम ये सारे हम एप्लीकेशन लेयर में हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो उनका जो काम था सारा ओएसआई मॉडल की फर्स्ट थ्री लेयर का काम, वो एक एप्लीकेशन लेयर में हम कवर कर रहे हैं। पढ़ लेते हैं इसमें क्या है, सेम मिलेगा आपको जैसे ओएसआई मॉडल था वैसे सेम ही मिलेगा आपको। दिस लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ टॉप थ्री लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, तीनों लेयर का काम जो एक ही एप्लीकेशन लेयर वो कर रही है। दिस लेयर सर्व एज द विंडो फॉर यूजर एंड एप्लीकेशन प्रोसेस टू असेस नेटवर्क सर्विस, एक इंटरफेस का काम करता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन मेक्स द इंटरफेस बिटवीन द प्रोग्राम दैट इज सेंडिंग और रिसीविंग डाटा एंड द प्रोटोकॉल स्टैक। फाइल सर्विस कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस, नेटवर्क प्रिंटिंग सर्विस, एप्लीकेशन सर्विस, डाटा सर्विस, मेन एप्लीकेशन लेयर सर्विस वाइडली यूज। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल यूजर इंटरफेस स्पेसिफिकेशन। सम ऑफ द प्रोटोकॉल प्रेजेंट इन द लेयर आर कौन कौन से हैं? HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिस्टम, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट, SHA, SMTP, LPD। मेनली थ्री वर्क डन बाय दिस लेयर। और कौन कौन से डन होते हैं? प्रेजेंटेशन जो आ गया आपका भी, प्रेजेंटेशन का काम, कंप्रेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। डाटा प्रेजेंटेशन में क्या करता है करे कि जो ASCII को हम किस में कर देते हैं, EVCEDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोडेड। डाटा कंप्रेशन रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स, बिट्स को कम करता है, कंप्रेस करता है डाटा को। डाटा इंक्रिप्शन क्या करता है? इंक्रिप्ट डाटा फॉर सिक्योरिटी पर्पस, को सिक्योरिटी पर्पस के लिए इंक्रिप्ट करता है, और रिसीवर एंड वो क्या करेगा, डिक्रिप्ट कर लेगा इसको। ये प्रेजेंट एप्लीकेशन लेयर का ऊपर काम हो गया, जहाँ प्रेजेंटेशन लेयर का काम आ गया, अब नीचे देखते हैं सेशन लेयर का काम भी आ जाएगा। ये देखिए आपका आ गया एस्टेब्लिश द कनेक्शन, मेंटेन द सेशन एंड एंडिंग द सेशन, एंड डायलॉग कंट्रोल डिटरमाइन विच डिवाइस विल कम्युनिकेट फर्स्ट एंड द अमाउंट ऑफ डाटा दैट विल बी सेंट, एंड सेशन सपोर्ट्स दैट अलाउ दिस प्रोसेस टू कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क परफॉर्मिंग सिक्योरिटी, नेम रिकॉग्निशन, लॉगिंग एंड सो ऑन। समझ गए कि ये एप्लीकेशन लेयर है, उसने हमने तीनों लेयर का काम कर दिया, एप्लीकेशन लेयर का भी, प्रेजेंटेशन लेयर का भी और सेशन लेयर का भी। अब हमारा डाटा वो है सेशन लेयर के पास पहुंच गया, मतलब कि एक एप्लीकेशन लेयर से हो गया। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम था वहां पे? नोड टू नोड डिलीवरी था, तो ये क्या काम करते हैं? मैनेज एंड टू एंड मैसेज डिलीवरी इन ए नेटवर्क, इसके एंड टू एंड भी बोल सकते हैं, नोड टू नोड भी बोल सकते हैं। प्रोवाइड्स एरर चेकिंग एंड हैंस गारंटी दैट नो डुप्लीकेशन और एरर आर ऑकरिंग इन द डाटा ट्रांसफर अक्रॉस द नेटवर्क। ट्रांसपोर्ट लेयर आर ऑल्सो प्रोवाइड द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सक्सेसफुल डाटा ट्रांसमिशन एंड रीट्रांसमिट द डाटा इफ एरर इज फाउंड। ट्रांसपोर्ट लेयर ब्रेक द मैसेज इनटू स्मॉल यूनिट, उसमें सेगमेंटेशन का भी काम ये था, जो सेगमेंटेशन काम ये स्मॉल यूनिट में कर रहा है, सो दैट दे आर हैंडल्ड मोर एफिशिएंसी बाय द नेटवर्क लेयर। उसे क्या होगा कि मिसिंग नहीं होगा और आपका जो डाटा है वो जल्दी आ जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे पैकेट में भेजेगा। एनश्योर दैट द मैसेज अराइविंग इन ऑर्डर बाय चेकिंग एरर एंड फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का काम भी करता है कि जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे क्या है, नोड टू नोड डिलीवरी है, तो ये यहाँ पे अगर स्पीड इसकी 10 MBPS है और वहाँ पे 5 MBPS है, तो ये अपना डाटा तो फुल स्पीड में बेहतर आएगा, पर वो 5 MBPS वाला भेज नहीं पाएगा क्योंकि कोलिजन हो जाएगा, ये यहाँ पे ट्रैफिक पूरा बिजी रखेगा। तो इसके लिए क्या करता है, फ्लो कंट्रोल भी करता है, ताकि दोनों तरफ से आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर होता रहे, पेंडिंग ना रहे कुछ भी। द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, वो ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर इंक्लूड सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग विच इज पोर्ट एड्रेस, सेगमेंटेशन एंड रिसेंबलिंग। ये मैसेज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, ईच सेगमेंट कंटेन सीक्वेंस नंबर, जैसे सीक्वेंस नंबर बता रहे थे इनवेलप, एक फाइल को उसने 8 इनवेलप में बना दिया, तो 8 इनवेलप क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके इसने नंबर ही डाल दी। तो इस टाइप की इस नंबर ही डाल देता है ताकि कोई भी डाटा जो है वो मिसिंग ना हो। जब रिसीविंग एंड पे आठ आठ पैकेट मिलेंगे,
तो उसमें से अगर 7 पैकेट मिसिंग भी होगा, 7 नंबर वाला पैकेट, तो उसको पता लग जाएगा कि ये भी 8 नंबर तक मुझे मिल गया पर 7 मिसिंग है, तो वो क्या करेगा, उसको एरर कर देगा कि हाँ भी मुझे आपका जो 7 पैकेट है वो दोबारा भेजिए, वो मुझे नहीं मिला। तो इस हिसाब से क्या होगा, आपका डाटा जो है वो मिसिंग नहीं होगा। तो ये इसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि एरर चेकिंग का और आपके नोट नोट डिलीवरी का। कनेक्शन ओरिएंटर में आपको क्या, कनेक्शन जैसे कनेक्शन में है कि मैंने एरर चेक किया और भेज दिया, और रिसीविंग एंड वाला जब तक चेक नहीं करेगा मैं उसको रिसीविंग नहीं मानूंगा कि भाई वो मिला नहीं मिला। और एक में क्या, उसको क्या बोलते हैं हम, कनेक्शन ओरिएंटर, जिसमें हम अक्नॉलेजमेंट लेते हैं रिसीवर एंड के ट्रांसपोर्ट लेयर से। पर एक में क्या होता है कि हमने ट्रैफिक भेज दिया, तो हम ट्रैफिक भेज दिया हम उसको क्या मानते हैं, डिलीवर हो गया, हम उसको ये नहीं समझते कि उसको अक्नॉलेजमेंट मिलेगा तब तक हम उसको, हम बोलते हैं कि जब तक उसको हम बोलते हैं कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने कनेक्शन मेंटेन नहीं करके रखा अपने ट्रांसपोर्ट लेयर के रिसीवर एंड के साथ, उसको हम कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट लेयर बोलते हैं। जिसमें हम पैकेट को हम सिर्फ भेजते जाते हैं, अक्नॉलेजमेंट नहीं लेते, और जिसमें हम अक्नॉलेजमेंट लेते हैं और भेजने के बाद उसको क्या बोलते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल, ये ऊपर पढ़ ही लिया हमने। आगे चले इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर का हम कहा क्या काम था, नेटवर्क लेयर का। नेटवर्क लेयर का क्या काम था कि आईपी एड्रेस फ्रॉम टू उसमें ऐड करना, वो सेम काम यही करेगा। दिस लेयर पैरेलल द फंक्शन ऑफ ओएसआई नेटवर्क लेयर, इट डिफाइंड अ प्रोटोकॉल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। लॉजिकल ट्रांसमिशन क्यों बोला इसने, क्योंकि आईपी एड्रेस को हम एक लॉजिकल एड्रेसिंग बोलते हैं, तो लॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ओवर द इंटायर नेटवर्क। द मेन एम ऑफ द लेयर इज टू डिलीवर पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन अक्रॉस मल्टीपल लिंक नेटवर्क। इट रूट द सिग्नल थ्रू डिफरेंट चैनल टू द अदर एंड एंड एक्ट एज ए नेटवर्क कंट्रोलर। द नेटवर्क लेयर डिटरमाइंड हाउ डाटा ट्रांसमिट बिटवीन द नेटवर्क डिवाइस, कैसे ट्रांसफर होगा। इसलिए क्या करता था वो, ओएसआई मॉडल में क्या होता था कि रूट डिसाइड करता था। तो ये रूट डिसाइड कर रहा है जहाँ पे कि हाउ ट्रांसमिट, कैसे ट्रांसमिट होगा, किस रूट से ट्रांसमिट हो रहा। द नेटवर्क लेयर डज द फॉलोइंग, एड द एड्रेस टू द पैकेट, डिटरमाइन द बेस्ट पाथ ऑफ द पैकेट, इंश्योर दैट द पैकेट इज इन करेक्ट फॉर्मेट फॉर द डेस्टिनेशन। ये तीन काम करता है, वो क्या करता है पहले तो एड्रेस फ्रॉम टू करेगा और बेस्ट पाथ उसके लिए डिसाइड करेगा, और क्या करेगा कि करेक्ट फॉर्मेट में है या नहीं है वो भी ये चेक करता है। राउटर यूज टू डिटरमाइन हाउ पैकेट आर राउटर फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। राउटर एक बेस्ट एग्जाम्पल है इंटरनेट लेयर की, जिसमें आईपी ट्रेसिंग पे काम होता है। आगे देखते हैं इंटरनेट लेयर के बाद नेटवर्क असेस लेयर। नेटवर्क असेस लेयर और ओएसआई मॉडल के हम देखें डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का काम जो है नेटवर्क असेस लेयर में होता है। दिस लेयर करस्पोंड्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। इट लुक्स आउट फॉर हार्डवेयर एड्रेसिंग एंड द प्रोटोकॉल प्रेजेंट इन दिस लेयर अलाउ फॉर द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी। इट रिसीव द डाटा फ्रॉम इंटरनेट लेयर एंड क्रिएट इन टू फ्रेम। जैसे वहां पे डाटा लिंक लेयर क्या करती थी, फ्रेम में कन्वर्ट कर देती थी, यहाँ भी वो उसको क्या करेगा, फ्रेम में करेगा, और उसके ऊपर क्या करेगा, फिजिकल एड्रेस का ऐड कर देगा। फिजिकल एड्रेस क्या था हमारा, मैक एड्रेस। दिस लेयर प्रोवाइड एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रेम फ्रॉम वन नोड टू अनदर ओवर द फिजिकल मीडिया। किसी फिजिकल मीडिया के थ्रू ये उसको डाटा को आगे ट्रांसफर करता था। अलोइंग लेयर अबव इट टू रिज्यूम वर्चुअली एरर फ्री ट्रांसमिशन ओवर द लिंक। कन्वर्ट बिट इन टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। जैसे फिजिकल लेयर वहाँ क्या करती थी, कन्वर्ट क्या करती थी, बिट को क्या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करती थी, जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करके उसको थ्रू फिजिकल मीडिया उसको आगे ट्रांसफर कर देगा, और जब इनकमिंग होगा तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को बिट्स में कन्वर्ट कर देगा। दिस लेयर मैनेज द इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द नेटवर्क मीडियम, जैसे कोएक्स, ट्विस्ट पेयर, एक्स्ट्रा। दिस लेयर टेल्स द ड्राइवर सॉफ्टवेयर फॉर द एमयू मीडियम अटैचमेंट यूनिट और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मॉडम एक्स्ट्रा व्हाट नीड टू बी सेंट अक्रॉस द मीडियम। ओके, ये नेटवर्क लेयर का भी यहाँ पे काम खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट में देखते हैं हम, नेक्स्ट में तो कंक्लूजन कर लेते हैं। आगे टीसीपी आईपी में हमने क्या पढ़ा आज, एप्लीकेशन लेयर ने क्या क्या काम किया, जहाँ पे एक इंटरफेस प्रोवाइड किया यूजर को, और इसने इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कंप्रेशन किया, और उसके बाद में एस्टेब्लिश द कनेक्शन, मेंटेनिंग द सेशन एंड हैंडलिंग द सेशन। ये एप्लीकेशन लेयर ने सारे काम किए। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम था, नोड टू नोड डिलीवरी, कनेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का भी से काम किया, और कनेक्शन लेस ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल से भी काम किया। कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड मैंने आपको बता ही दिया है, और इसमें क्या है, सेगमेंटेशन से काम होता था। उसके बाद इंटरनेट लेयर ने क्या किया, इसमें
आईपी एड्रेस मतलब एक लॉजिकल एड्रेस इसमें ऐड किया और उसके बाद एक रूट डिसाइड किया कि किस रूट से ये आगे डाटा ट्रांसमिट होगा। उस रूट को इसने नेटवर्क लेयर को बताया कि इस रूट से भेजना है इसको। और नेटवर्क इंटरफेस ने क्या काम है उसमें, उसमें क्या है, इसने जो इसका डाटा मिला उसको उसने फ्रेम में कन्वर्ट किया। फ्रेम के ऊपर क्या है, उसने लिखा अपना फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस मतलब आपका मैक एड्रेस, मैक एड्रेस का एड्रेस लिखा। और उसके क्या किया, बिट जो बिट से आई थी उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट किया, क्योंकि थ्रू फिजिकल मीडिया एक अगर डाटा भेजना है तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल चाहिए। तो सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को उसने बिट्स को उन्हें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद उसने क्या किया, एक रिसीवर एंड के थ्रू, एक मीडियम फिजिकल मीडिया के थ्रू रिसीवर एंड पे भेज दिया। अब जैसे मान लो कि रिसीवर एंड यहाँ से आ गया, रिसीवर एंड पे नेटवर्क इंटरफेस लेयर ने क्या काम किया, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आया था उसको उसने क्या किया, बिट्स में कन्वर्ट कर दिया। और उसने उसने क्या किया, मैक एड्रेस था, फ्रेम था, उसको हटा दिया और मैक एड्रेस को देखा किस नोड्स के लिए ये डाटा हमें ट्रांसफर हो रहा है, तो उसने उस नोड्स के लिए उसको लगा के आगे दे दिया। अब इंटरनेट लेयर ने क्या किया, वहां पे चेक किया, आईपी एड्रेस चेक किया, कौन से आईपी से आया था, यानी वो सब चेक करके उसने, और रूट से उसने दिखाया कि रूट कौन से रूट से इसने भेजा है। उसने ट्रांसपोर्ट लेयर को, ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या, सेगमेंटेशन था उसने क्या किया, सभी कंबाइन कर दिया और इसने नोड टू नोड एक्नॉलेजमेंट दे दिया तो उसको ट्रांसमीटर एंड के ट्रांसपोर्ट लेयर को कि आपका जो है डाटा हमें मिल गया है। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर के बाद, यदि एप्लीकेशन लेयर ने पहले क्या किया, चेक किया कोई डाटा एरर फ्री सब कुछ चेक करके, उसने क्या किया दूसरे उसके एप्लीकेशन लेयर को पहले तो मैसेज दे दिया कि आपका अपना जो अब मैसेज मुझे मिल गया, आपका डाटा मिल गया मुझे, तो उसने क्या किया उसको जो उनका कनेक्शन था बीच में उन्होंने उस कनेक्शन को एंड कर दिया। और इसके बाद उसने डिक्रिप्शन किया और उसके बाद एक यूजर को उसने प्रोवाइड कर दिया डाटा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, होपफुल आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।